वेलकम टू सोशल। विक्रांत मासी एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने शायद ही कभी किसी फिल्म में बुरी एक्टिंग की होगी। ही सीम्स टू बी अ परफेक्शनिस्ट जो अपने हर कैरेक्टर को रिलेटेबल बना देते हैं। इस वीडियो में हम आपको विक्रांत मासी के बारे में 25 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, मन हो तो ही करना, ठीक है। नंबर वन, विक्रांत मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनके एक ब्रदर भी हैं और उन्होंने हमेशा विक्रांत को सपोर्ट किया है। विक्रांत अपनी फैमिली से काफी क्लोज हैं और आज भी वो उसी एरिया में रहते हैं जहां उन्होंने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया था। नंबर टू, विक्रांत स्कूल में एक अबव एवरेज स्टूडेंट थे और पढ़ाई के साथ साथ उन्हें एक्टिंग का भी बहुत शौक था। वो स्कूल में कई थिएटर प्लेज में पार्ट लिया करते थे और उनके टीचर्स भी उनके एक्टिंग को बहुत अप्रिशिएट किया करते थे। इसके अलावा मुंबई में रहने की वजह से उन्हें कई बार फिल्म शूट्स भी देखने को मिलते थे जिसे देख के वो फिल्म्स में इंटरेस्ट लेने लगे। नंबर थ्री, विक्रांत एक्टिंग के अलावा मॉडर्न जैज और कंटेम्प्रेरी में एक ट्रेन प्रोफेशनल डांसर भी हैं। 10th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद उन्होंने शामक दावर के इंस्टीट्यूट में एक साल तक एज अ डांस ट्रेनर काम किया। विक्रांत की डांसिंग स्किल्स अभी तक उतने अच्छे से फिल्म्स में यूटिलाइज नहीं हुए हैं, सो वी होप विक्रांत की इंटेंस एक्टिंग के अलावा वी गेट टू सी हिम डांसिंग एज वेल। डांसिंग से याद आया, हाउ वाज सनी वेज गिनी? विक्रांत ने इस फिल्म में काफी डांस किया था, वॉज इट एनी गुड? लेट अस नो इन द कॉमेंट्स। नंबर फोर, विक्रांत वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड जब उन्होंने शामक दावर का डांस ग्रुप ज्वाइन किया था और ये एक पार्ट टाइम जॉब की तरह था। विक्रांत को थोड़े और पैसे चाहिए थे इसीलिए उन्होंने एक कैफे में काम करना शुरू किया। विक्रांत ने ये बात खुद एक इंटरव्यू में रिवील की और उन्होंने बताया कि मैं वर्सोवा के एक कैफे में जॉब करने लगा था। मेरा काम वहाँ टेबल साफ करना होता था। मेरा प्लान वहाँ आने का यही था कि मुझे एक फिक्स सैलरी मिल जाएगी और वहाँ फिल्म लाइन से जुड़े लोग भी आया करते थे, सो मुझे लगा कि शायद मुझे कोई एक रोल भी दे दे। Sir, you've done many odd jobs. I've done many odd jobs. McDonald's at one point. Not McDonald's. Subway. Coffee shop. Yes. Yeah. Number five. विक्रांत ने उसी दौरान एक फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब के लिए भी अप्लाई किया जो उन्हें मिल भी गई, पर इवेंचुअली वो उसे नहीं ज्वाइन कर पाए। हुआ यूं कि उन्हें उसी दौरान एक टीवी सीरियल कहाँ हूँ मैं ऑफर किया गया और विक्रांत को लगा कि उन्हें इस सीरियल को प्रायोरिटी देनी चाहिए। उनकी कास्टिंग के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक प्रोड्यूसर ने उन्हें एक रेस्टोरेंट में स्पॉट किया और विक्रांत की पर्सनैलिटी उन्हें काफी इंप्रेसिव लगी, जिसके बाद उन्होंने विक्रांत को ऑडिशन के लिए बुलाया। मेकर्स ने उनको सिलेक्ट कर लिया और उन्हें 6,000 रुपीज पर एपिसोड दिए जा रहे थे। विक्रांत ने शो की शूटिंग भी कर ली थी पर लीगल इश्यूज के चलते ये शो टीवी पर प्रीमियर ही नहीं हुआ। Shortly, I started off with this show called Kahan Hoon Main. That was my first TV show in 2003, 2004, November, December. That show never came on air and then I was out of job. Number 6. विक्रांत का शो जब चल नहीं पाया तो उन्होंने उसी प्रोडक्शन टीम के साथ एज एन असिस्टेंट काम करना शुरू कर दिया। विक्रांत को ही न्यू कमर्स के ऑडिशंस लेने होते थे जहां वो सभी कैंडिडेट्स के पोर्टफोलियोज कलेक्ट करते थे। विक्रांत ने बताया कि उन पोर्टफोलियोज को बाद में डस्टबिन में फेंक दिया जाता था जिसे उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। विक्रांत खुद एक एस्पायरिंग एक्टर थे तो उन्हें ये देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। विक्रांत ने इसके बाद डिसाइड किया कि वो अपना पोर्टफोलियो कभी शूट ही नहीं कराएंगे। दो डस्टबिन्स थे, लाइक वेट गार्बेज एंड ड्राई गार्बेज, एंड करके ऐसे फेंक रहे हैं। तो तब से मेरे को ना एक डर सा बैठ गया कि मैं पोर्टफोलियो नहीं कराऊंगा यार, क्योंकि I know where they end up. नंबर 7, मेनस्ट्रीम सिनेमा में आने से पहले विक्रांत ने 10 साल तक टीवी सीरियल्स में काम किया है। वो कई सीरियल्स जैसे धूम मचाओ धूम और धर्मवीर में एज अ मेन लीड आए, लेकिन उनको सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन सीरियल बालिका वधु करने से मिली। इस सीरियल में उन्होंने श्याम सिंह का रोल प्ले किया था और ये एक सपोर्टिंग रोल था, पर विक्रांत जानते थे कि स्टोरी का ऑडियंस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने इसको करने के लिए अग्री कर दिया। बालिका वधु एक बहुत ही सक्सेसफुल सीरियल रहा और लोगों ने उनके कैरेक्टर को भी काफी अप्रिशिएट किया। इसी सीरियल के बाद विक्रांत टीवी के टॉप मोस्ट एक्टर्स में से एक बन गए थे। जी हाँ काकी साहब, ये बात तो है। नंबर 8, टीवी सीरियल्स करते हुए विक्रांत को बहुत अंडर यूटिलाइज फील होने लगा और एज एन एक्टर वो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने फिल्म्स के ऑडिशन देना शुरू किया। इनमें से एक ऑडिशन फिल्म लुटेरा का था जो विक्रांत की डेब्यू फिल्म बनी। हालांकि इस ऑडिशन में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, पर जिस एक्टर को सिलेक्ट किया गया उसने लास्ट मोमेंट पर बैक आउट कर दिया। इसके बाद विक्रांत को फिल्म के लिए फाइनलाइज किया गया जहां उन्होंने देव का कैरेक्टर प्ले किया था। इस रोल की प्रिपरेशन के लिए उन्होंने देवानंद की फिल्म बाजी से इंस्पिरेशन ली थी। विक्रांत के लिए ये एक अच्छा डेब्यू था जिसके लिए उन्हें काफी अप्रिशिएट भी किया गया। नंबर 9,
जैसा कि हम सब जानते हैं कि द गॉडफादर एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म है जिससे लोग आज भी इंस्पिरेशन लेते हैं, उसी तरह विक्रांत ने मिर्जापुर में बबलू के कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए द गॉडफादर से इंस्पिरेशन ली थी। द गॉडफादर में एल पचीनो के कैरेक्टर की गैंगस्टर बनने की जर्नी दिखाई जाती है जिसे देखकर विक्रांत काफी इन्फ्लुएंस हुए थे। इन मेनी वेज बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर सिमिलर क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों ही गैंगस्टर्स नहीं होते हैं पर कुछ सिचुएशंस की वजह से दोनों को क्राइम करना पड़ता है। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। नंबर 10, विक्रांत को करियर की शुरुआत में ही उनकी लुक्स और बॉडी की वजह से काफी रिजेक्शंस फेस करनी पड़ी। उनको कास्टिंग डायरेक्टर्स रिजेक्ट कर देते थे क्योंकि उनके ओपिनियन में विक्रांत के ना लुक्स किसी हीरो की तरह थे और ना उनकी फिजिक। इन सभी रिजेक्शंस के बाद भी विक्रांत ने कभी अपने स्ट्रगल को ग्लोरीफाई नहीं किया है और आप सब जानते हैं कि विक्रांत आज भी वैसे ही दिखते हैं और हम सभी उनके फैंस हैं। विक्रांत का करियर एक एग्जाम्पल है कि बॉलीवुड के स्टीरियोटाइप्स इजीली ब्रेक किए जा सकते हैं, आप में बस टैलेंट और पेशेंस होनी चाहिए। विक्रांत भी आज बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं एंड वी होप उनकी जर्नी आप सबको भी इंस्पायर करती हो। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि क्या आप विक्रांत की स्टोरी से कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। वी आर श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों के आंसर्स हाँ ही होंगे। देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, मन हो तो ही करना, ठीक है। नंबर 11, विक्रांत की फर्स्ट लीड फिल्म थी डेथ इन द गंज जिसे 2017 में रिलीज किया गया। इस रोल को मिलने के पीछे भी ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब विक्रांत लिपस्टिक अंडर माय बुर्का की शूटिंग कर रहे थे वहीं कोंकणा सेन शर्मा उस टाइम डेथ इन द गंज की स्क्रिप्ट लिख रही थी। विक्रांत और कोंकणा की शूटिंग पे इंटरेक्शंस होती रहती थी और वो उनकी परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस हुई। बाद में विक्रांत को ही डेथ इन द गंज में कास्ट किया गया और इस फिल्म में विक्रांत ने एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी थी। फिल्म को कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी दिए गए जिससे विक्रांत के करियर को एक पुश मिला जहां उन्हें रियलिस्टिक कैरेक्टर्स ऑफर किए जाने लगे। नंबर 12, फिल्म डेथ इन द गंज की वजह से उन्हें फिल्म राजी में विकी कौशल के रोल के लिए पहले विक्रांत को ही कंसिडर किया जा रहा था। मेघना गुलजार को विक्रांत की एक्टिंग बहुत पसंद आई थी इसलिए उन्हें विक्रांत को राजी के लिए अप्रोच किया था। हालांकि तब फिल्म की स्टोरी और शूटिंग स्केड्यूल तैयार नहीं था और बाद में डिलेज की वजह से विक्रांत इस फिल्म का पार्ट नहीं बन पाए, इसलिए आखिर में विकी कौशल को इस रोल में कास्ट कर लिया गया। सॉरी सहमत, घर वाले भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हारा वतन है। नंबर 13, 2010 में विक्रांत को सीरियल बाबा ऐसा वर ढूंढो में लीड रोल ऑफर हुआ। इस शो की स्क्रिप्ट को पहले ही काफी एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि ये एक अनयूजुअल लव स्टोरी होती है जिसमें लीड एक्ट्रेस एक डॉर्फ दिखाई गई है। विक्रांत ने जब नरेशन सुनी तो उन्हें स्टोरी काफी यूनिक लगी और उन्होंने इसको करने के लिए अग्री कर दिया। उनका मानना है कि वो ऐसे चैलेंजिंग रोल्स करना पसंद करते हैं जो दूसरे एक्टर्स नहीं कर पाते। इस शो की पेयरिंग से लोग पहले हैरान रह गए थे पर विक्रांत ने इस रोल को काफी ऑथेंटिक वे में प्ले किया था। नंबर 14, विक्रांत की लव लाइफ की बात करें तो वो एक्ट्रेस शीतल ठाकुर के साथ बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप में है। दोनों की एंगेजमेंट 2019 में हुई थी और वो मैरिज भी करने वाले थे पर लॉकडाउन की वजह से उसे डिले कर दिया गया। नंबर 15, विक्रांत की एक्टिंग इंस्पिरेशन की बात करें तो वो इरफान खान को अपना आइडियल मानते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इरफान को मकबूल में देखने के बाद उनका सिनेमा को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था। उनके लिए ये एक लाइफ चेंजिंग फिल्म रही है और उन्होंने इसे देखने के बाद डिसाइड कर लिया कि उन्हें भी हार्ड हिटिंग कैरेक्टर्स प्ले करने चाहिए। You know, मकबूल, as I said, was the film that changed the way I started consuming entertainment. And Irfan Khan has played a very important role in my life. नंबर 16, विक्रांत की यूनिक चॉइसेस की बात करें तो उनमें से सबसे यूनिक रोल उन्होंने फिल्म कार्गो में प्ले किया था। ये उनकी फर्स्ट साईफाई फिल्म थी जिसमें उन्होंने डीमन का कैरेक्टर प्ले किया था। ये सुनने में अजीब लगता है पर फिल्म में आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट बहुत ही रिलेटेबल और मॉडर्न वे में दिखाया गया है। जब विक्रांत ने फिल्म की स्टोरी पढ़ी थी तब वो इस रोल को करने के लिए काफी एक्साइटेड थे क्योंकि ऐसे रोल्स इंडियन सिनेमा में करने को नहीं मिलते हैं। हॉलीवुड में स्पेस और आफ्टर लाइफ पर कई फिल्म्स बनाई गई हैं जिन्हें आप सबने देखा होगा पर इंडिया में ये जॉनर अभी इतना एक्सप्लोर्ड नहीं है। इन्हीं रीजंस की वजह से विक्रांत ने कार्गो को साइन किया था। अगर आपने कार्गो देखी है तो कमेंट्स में फिल्म के बारे में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें और अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मतलब ये स्वर्ग है? कोई स्वर्ग, कोई नर्क नहीं होता है सर, यहाँ पे सभी लोग आते हैं। नंबर 17, मिर्जापुर में विक्रांत के कैरेक्टर बबलू को बहुत पसंद किया गया लेकिन वो रोल इनिशियली उन्हें ऑफर नहीं हुआ था।
उनसे पहले इस रोल को देवेंदु शर्मा करने वाले थे, पर जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो मुन्ना के कैरेक्टर से ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे, इसलिए देवेंदु ने मेकर्स से रिक्वेस्ट की कि बबलू के रोल में वो किसी और को कास्ट कर लें। इसके बाद विक्रांत को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया, एंड यू ऑल नो उन्होंने बबलू के कैरेक्टर को कितनी परफेक्शन से प्ले किया था। जिस दिन हम इस लाइन में खुश गए ना, दोबारा पूरी जिंदगी इसके बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। नंबर 18, मिर्जापुर में बबलू के कैरेक्टर का एंड आप सबको ऑलरेडी पता होगा, पर विक्रांत को इसकी एंडिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मेकर्स ने उन्हें कभी नहीं बताया था कि बबलू के कैरेक्टर को सीरीज के एंड में क्या होने वाला है। ये बात विक्रांत को सिर्फ 10 दिन पहले पता चली थी और वो थोड़ा अपसेट भी थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका कैरेक्टर अगले सीजन में भी आएगा। सीजन 1 के एंड होते ही फैंस भी शॉक रह गए थे और काफी लोगों का मानना था कि बबलू के कैरेक्टर को सीजन 2 में भी होना चाहिए था। हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। नंबर 19, जैसा कि हम जानते हैं कि विक्रांत एक फिल्म बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलने में काफी प्रॉब्लम्स आई थी। 10 साल के एक्टिंग एक्सपीरियंस के बाद भी उन्हें बॉलीवुड में एज अ फ्रेशर ही ट्रीट किया जाता था। ऐसा बहुत एक्टर्स के साथ होता है कि इंडस्ट्री में इतने साल काम करने के बाद भी उनकी जगह स्टार किड्स या उन एक्टर्स को रोल दिए जाते हैं जिनकी फिल्म फैमिली से कनेक्शन होते हैं। विक्रांत ने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि नेपोटिज्म हर जगह एग्जिस्ट करता है, पर आज तक मैंने जो भी अचीव किया है वो मेरे हार्डवर्क से ही किया है। I think लोग देखते हैं उसे, you do get your due, because eventually your quality of work is what is going to sustain you आगे चलके। Number 20, बहुत लोग विक्रांत को मिर्जापुर से जानते हैं और सबको लगता है कि मिर्जापुर ही उनकी पहली वेब सीरीज थी, पर ऐसा नहीं है। उनकी पहली वेब सीरीज का नाम राइज था, जिसे 2017 में YouTube पर रिलीज किया गया था। इस सीरीज का नैरेटिव ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरेशन पर बेस था, जिसमें विक्रांत लीड रोल में नजर आते हैं। वी हाईली रिकमेंड कि इस वेब सीरीज को आप जरूर देखें। विक्रांत ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी है। ये शो 2008 में रिलीज हुई ब्रिटिश सीरीज क्रिमिनल जस्टिस का एडाप्टेशन है। विक्रांत को पर्सनली वो शो काफी पसंद था और वो अक्सर अपने फ्रेंड से डिस्कस किया करते थे कि इस शो का इंडियन रीमेक भी बनना चाहिए। कोइंसिडेंटली उन्हें जब कुछ साल बाद क्रिमिनल जस्टिस का रीमेक ऑफर हुआ तो उन्होंने इमीडिएटली इसे एक्सेप्ट कर लिया। विक्रांत के लिए ये रोल बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि शो में उनका कैरेक्टर बहुत सिचुएशन से गुजरता है। सभी ने उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया, विच प्रूव्स कि उन्होंने कितनी परफेक्शन से इस रोल को प्ले किया है। टीम सोशल की ये फेवरेट विक्रांत परफॉर्मेंस है, सो वी विल एडवाइस यू कि आप भी ये शो जरूर देखें। लेकिन योर ऑनर, याद हो या ना हो, इंसान इतना जरूर जानता है कि वो क्या कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता। नंबर 22, जिन्होंने मेड इन हेवन देखा है वो जानते होंगे कि विक्रांत का उस शो में एक कैमियो रोल होता है। शो में वो कबीर के एक्स लवर का रोल प्ले करते हैं और ये रोल विक्रांत के लिए बहुत डिफिकल्ट था। प्लेइंग अ गे कैरेक्टर कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस और उनके इसमें इंटीमेट सीन्स भी थे। विक्रांत इसको लेके बहुत नर्वस थे, पर एक एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें अच्छी तरह पता थी, सो इवन विद ऑल द हेसिटेशन उन्होंने इन सीन्स को बहुत कम्फर्टेबली कर लिया। नंबर 23, विक्रांत के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो फिल्म मुंबईकर में विजय सेतुपति के साथ नजर आएंगे। ये फिल्म 2017 की तमिल फिल्म मन्ना गरम का रीमेक है। विक्रांत फिल्म में लीडिंग रोल प्ले करेंगे और हम खुद इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। विजय सेतुपति और विक्रांत को एक फिल्म में देखना एक अलग ही सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा। इसके अलावा फिल्म को संतोष सिवान ने डायरेक्ट किया है, जो इंडिया के बेस्ट सिनेमेटोग्राफर्स में गिने जाते हैं। नंबर 24, विक्रांत को ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीरीज में एक रोमांटिक रोल करते हुए देखा गया। इस स्टोरी में दो लोग हार्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं और उनका एक अलग बॉन्ड बन जाता है। ये शो बहुत पॉपुलर हुआ और इसे विक्रांत को एक अलग ही तरह की फॉलोइंग हासिल हुई। शो में उनकी गर्लफ्रेंड शीतल ठाकुर भी नजर आती हैं और ये एक बहुत ही वेल मेड रोमांटिक सीरीज है। नंबर 25, हसीन दिलरुबा में विक्रांत ने रिशु का कैरेक्टर प्ले किया है, जो एक ग्रे कैरेक्टर था। विक्रांत को पहले ऑडियंस ने इस तरह के रोल में नहीं देखा था और वो खुद हमेशा से ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करना चाहते थे। रिलीज के बाद उनका कैरेक्टर कुछ लोगों को काफी प्रॉब्लमैटिक लगा, पर सबको उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। विक्रांत ने एक इंटरव्यू में भी कहा है, अगर मैं अपने कैरेक्टर्स को अपनी थिंकिंग से जज करने लग जाऊंगा फिर मैं कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने कैरेक्टर्स में अपनी आइडियोलॉजी नहीं लाता हूं, इसीलिए रिशु के कैरेक्टर को प्ले करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपका इसको लेके क्या ओपिनियन है? क्या आपको भी विक्रांत का रोल इस फिल्म में पसंद आया? मेरा मन करता है कि तुम्हारा गला घूंट रहा है। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके विक्रांत की टॉप 3 परफॉर्मेंसेस कौन सी है।
इसके अलावा अगर आप किसी और एक्टर की फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको लेके भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। जिस एक्टर को लेके सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे हम उन पे फैक्ट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अब सोशल ऑफिशियल, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।